हाय गाइस, मेरा नाम है सोहेल खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑटोकैड। तो गाइस, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में स्वीप कमांड किस तरह यूज़ किया जाता है, वो 3D में किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने एक पॉली लाइन ली है जो मैं आपको यहाँ पर स्वीप कमांड से एक पाइप बना के दिखाऊंगा कि 3D में पाइप किस तरह बनता है। तो देखिएगा, अगर आपको इसकी शॉर्ट की याद है जो स्वीप है, तो आप वैसे भी इसको टाइप करके ले सकते हैं। अगर आपको इसकी शॉर्ट की याद नहीं है तो आप यहाँ पर होम में जाके इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक पॉली लाइन लेनी है और आपको जिस शेप में पाइप बनाना है 3D में, उसको शेप देनी है पॉली लाइन से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल कमांड लेना है, सी स्पेस देना है। उसके बाद जितने गोलाई का आपको पाइप चाहिए उसकी गोलाई के लिए ये सर्कल लेते हैं, उसका साइज ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इतनी शेप का पाइप बनाना है तो मैंने सर्कल ले लिया है। उसके बाद मैंने स्वीप कमांड में क्लिक किया, उसके बाद स्वीप कमांड मैंने क्लिक किया, उसके बाद मुझे सेलेक्ट सर्कल करना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्पेस देना है और जिस लाइन पे मुझे इस पाइप को बनाना है पॉली लाइन पर, उस पर क्लिक करना है। तो देखिएगा ये 3D में पाइप फ़ौरन ही बन के आ जाएगा। मैं आपका उसका व्यू दिखा देता हूँ 3D में। ये देखिएगा गाइस, ये 3D में पाइप बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कंसेप्चुअली करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा 3D में मेरा पाइप बन चुका है। तो गाइस एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक पॉलीलाइन एक और ले रखी है, आपको मैं इसको भी दिखाता हूँ किस तरह बनाया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये पॉलीलाइन लेनी है, जिस शेप के मुझे पाइप बनाना है वो लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करना है छोटा सा, जिसकी जो मतलब पाइप की मुझे मोटाई रखनी है। उसके बाद मैंने ये सर्कल दिया यहाँ पर, उसके बाद मैंने स्वीप कमांड ली, उसके बाद मुझे पाइप को सेलेक्ट करना है, स्पेस देना है और जो उसका पार्ट है जो ये मैंने लाइन दे रखी है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए गाइज, ये भी मेरा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3D में पाइप किस तरह बनाया स्वीप कमांड से। तो गाइज, ऑटोकैड में स्वीप कमांड हम कहाँ का यूज़ करते हैं, जैसे हमें ऑटोकैड में कोई ग्रिल बनाने होती है जीने की, या कहीं ऐसे पाइप बनाने होते हैं, तो काफ़ी जगह ये स्वीप कमांड यूज़ होता है इस तरह के अलग अलग शेप के पाइप बनाने में, ग्रिल बनाने में। तो गाइस, आज हमने सीखा ऑटोकैड में किस तरह स्वीप कमांड यूज़ किया जाता है, कितना यूज़फुल कमांड है। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपके लिए ऐसे 3D कमांड यूज़ कर करके आपको सिखाऊंगा अपने वीडियो ट्यूटोरियल में, और नई नई चीज़ें आपके लिए पेश करता रहूँगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।